जम्मू कश्मीर में एक दशक बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सोमवार को जम्मू में पार्टी प्रत्याशी के नामांकन के अवसर पर एक विशाल रोड शो किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी को वोट देने की अपील की और विपक्ष पर हमलावर दिखे। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर वार करने के साथ ही गांधी अब्दुल्ला परिवार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांधी और अब्दुल्ला परिवार कहता है कि हम जम्मू कश्मीर में पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट निरस्त कर देंगे। आखिर जेल में बंद देश के दुश्मनों को आज़ाद क्यों करना चाहते हैं। वहीं इस दौरान बीजेपी नेता ने उमर अब्दुल्ला के अफजल गुरु को लेकर दिए गए बयान पर भी हमला किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जम्मू पश्चिम से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद गुप्ता और जम्मू उत्तर से श्यामलाल शर्मा के नामांकन में उपस्थित हुए। वहीं उन्होंने जब से देश आज़ाद हुआ है पहली बार जम्मू कश्मीर का मतदाता दो झंडे नहीं एक तिरंगे के नीचे अपना मतदान करेंगे। पहली बार दो संविधान नहीं भारत के संविधान के अंतर्गत मतदान होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अमन और चैन के लिए ये एक ऐतिहासिक चुनाव है। अनुराग ठाकुर ने रोड शो के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के अफजल गुरु पर दिए गए बयान को लेकर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि उमर को आतंकी समूहों और आतंकी विचारधारा रखने वालों का समर्थन चाहिए, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या वो आतंकियों का समर्थन करके वोट पाना चाहते हैं, क्या वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हटाकर आतंकियों नशीले पदार्थों के तस्करी को आज़ाद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीओके पर लोगों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का स्वागत किया है। वहां के लोगों ने जम्मू कश्मीर में विकास देखा है और पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। बीजेपी नेता ने कहा कि पीओके के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं और हम उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भी सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस देश को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं है, वो जम्मू कश्मीर में शांति नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता बेरोजगारी और महिलाओं को टिकट नहीं दिए जाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के आंकड़े अब तक के सबसे कम हैं। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुर्जर समुदाय को सीटें दी हैं। जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी ने आतंकवादियों द्वारा मारे गए अजीत परिहार की बेटी को टिकट दिया।